आप लोग इधर आके अंदर आ जाइए, गेट से बाहर जो लोग हैं। तरह का धरना चल रहा है यहाँ पर हम लोगों का 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें हमारे चार सूत्री मांग है। नंबर वन है समान कार्ड समान वेतन, हम लोगों के साथ ही कुछ आउटसोर्स से रखे जाते हैं, उन लोगों को सीधे किया जाए। तीसरा, हम लोगों के बीच वैकेंसी जो आती है उन लोगों को हमारे समाजित किया जाए, अगर कोई पद है नहीं तो सृजित किया जाए। नंबर चार, हमारी आशा बहन है उनको मिनिमम 10,000 मानदेय दिया जाए। तो आज क्या किया? आज हमने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया है, जिससे उनको सद्बुद्धि आए कि हम लोगों की मांगे पूरी कर ली जाए। तो कितनी संख्या में है ये जो हड़ताल में बैठे हैं? हमारे हम लोग यहाँ करीब 700 लोग हैं अलीगढ़ में, पूरे यूपी में हम 50,000 लोग, पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। जैसे 2019 का चुनाव आ रहा है, आपका क्या रुझान है इसको? अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोगों के नोटा का बटन दबाएंगे। तो इससे जो कितना फर्क पड़ जाएगा सर? काफी फर्क पड़ेगा, अभी तीन राज्यों में भी काफी फर्क पड़ा है। तीन राज्यों में बीजेपी की जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, क्योंकि वहाँ नोटा का यूज किया गया था। प्रदेश की संख्या माने तो कितनी होगी? प्रदेश की संख्या 50,000 से 60,000 रुपए है, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी जो है एनएचएम में। संविदा कर्मियों को नियमित पदों पे समायोजित किया जाए के लिए और समान वेतन समान कार्य। कितने दिनों से चल रहा है धरना? ये 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज क्या क्या किया? आज हमने सरकार की बुद्धि हवन किया, यज्ञ किया, ताकि सरकार की कुछ समझ में आए और हमारी परेशानियों को समझे सरकार। आप सरकार से कब से ये मांग कर रहे हैं? सरकार को हमने पहले मांग करते करते तो हमें 2 साल हो गए, लेकिन सरकार ने 3 महीने पहले भी वादा किया था, हमें आश्वासन दिया था कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अभी भी अगर आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो क्या अगला कदम होगा? देखिए, अभी भी अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो अभी तो हमने सिर्फ ओपीडी सेवाएं बंद की हैं स्वास्थ्य विभाग की, हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर सकते हैं, और फिर भी नहीं सुना तो हम लखनऊ भी जाएंगे, और फिर भी नहीं सुना तो हम सड़कों पर भी उतर सकते हैं। मैं आरएनटीसी की टीवी कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उससे भी पहले मैं एक एनएचएम का संविदा कर्मी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 75,000 एनएचएम के संविदा कर्मी और करीब 2 लाख आशा बहनें हैं, इस आंदोलन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल की पूर्व सूचना हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखकर 10 दिन पहले दे दी गई थी। अगर सरकार चाहती तो वो इस हड़ताल को रोकने का पूरा प्रयास कर सकती थी, परंतु विभाग ने पुनः इसकी अनदेखी की और हम लोगों को ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आने के लिए मजबूर किया। तो अब ये और कहां तक जाएगा यार धरना? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं अपने मुख्यालयों पर बैठ के, परंतु जल्दी सरकार ने, विभाग ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की तो 75,000 कर्मचारी, हमसे जुड़े हमारे परिवार के लोग, हमारी आशा बहने, हम सब लोग, ये सारा जत्था यहाँ से लखनऊ कूच करेगा और विधानसभा का घेराव करेगा। क्या विभागों की अब तालाबंदी तक भी कर सकते हैं? मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि लड़ाई विभाग से होती है, समाज से नहीं। इसको देखते हुए हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को अभी तक लागू किया हुआ है, उसको हमने कार्य बाधित नहीं किया है ताकि हमारा रोगी परेशान ना हो, लेकिन अगर सरकार मजबूर करेगी तो मजबूर होकर कर्मचारियों को उस हद तक भी जाना पड़ेगा।